राम पोथी नैनी साउथ इंडस्ट्री के वो एक्टर बन चुके हैं जिनके साथ आज हर एक अभिनेत्री काम करने की इच्छा रखती है। तो वहीं ये कई अभिनेत्रियों के अपने साथ काम करने की इच्छा को भी पूरा कर चुके हैं, इसलिए तो हर एक फिल्म में इनके साथ एक नई एक्ट्रेस काम करती नजर आती है, जिन्होंने पर्दे पर इनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री शेयर करके इनके साथ एक अच्छी जोड़ी बनाई। यूं तो इनकी जोड़ी इनके साथ काम कर चुके हर एक एक्ट्रेस के साथ अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस एक्टर के साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? इसी बात का पता लगाने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में हम इनके साथ काम कर चुकी 10 एक्ट्रेस को नंबर पोजीशन देके बताएंगे कि इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी किसके साथ लगती है। तो फिर आइए जानते हैं उन सभी एक्ट्रेस के बारे में। नंबर 10, ईशा सहानी। साल 2007 में फिल्म जगदम में राम के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस ईशा सहानी 10 नंबर की पोजीशन हासिल करती है, क्योंकि इस फिल्म में उनके साथ इनकी जोड़ी अच्छी तो लगी पर दोनों के बीच रोमांस वाली केमिस्ट्री थोड़ी फीकी थी। नंबर 9, इलियाना डिक्रूज। इलियाना डिक्रूज और राम पोथी नैनी की जोड़ी हमें साल 2006 में देवदासु फिल्म में नजर आई थी। उस फिल्म के अंदर इन्होंने उनके साथ एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़की की प्रेम कहानी काफी अच्छे से पर्दे पर दिखाई थी, उसी वजह से ही इनकी जोड़ी पर्दे पर उनके साथ अच्छी लगी। पर केवल ईशा सहानी से ज्यादा ही इनकी जोड़ी उनके साथ अच्छी लगी थी, पर क्योंकि ये आगे आने वाली 8 एक्ट्रेस से राम के साथ अच्छी जोड़ी बनाने में नाकाम रही, इसलिए इनको नंबर 9 की पोजीशन दी जाती है। नंबर 8, राशि खन्ना। शिवम और हाइपर जैसी फिल्मों में राशि खन्ना ने राम पोथी नैनी के साथ एक जोड़ी के रूप में काम किया था। इन दोनों ही फिल्मों के अंदर दोनों की जोड़ी पर्दे पर काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी थी, पर ये उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग और लव केमिस्ट्री नहीं दिखा पाई, इन्हें नंबर 1 पर रखा जाता, मगर उनके साथ इनकी जोड़ी इतनी अच्छी तो लगी थी कि इन्हें नंबर 8 पर रखा जाए। नंबर 7, मालविका शर्मा। साल 2021 की रेड फिल्म में राम पोथी नैनी के साथ नजर आई एक्ट्रेस मालविका शर्मा नंबर 7 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाई है। इस फिल्म में इन्होंने उनके साथ पहली बार काम किया था और उनके साथ एक अच्छी जोड़ी बनाने के लिए इन्होंने काफी कोशिश की थी, इस तरह उनके साथ एक अच्छा तालमेल और केमिस्ट्री दिखाकर उन्होंने इस लिस्ट में नंबर 7 पर अपनी जगह बनाई है। नंबर 6, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया ने राम पोथी नैनी के साथ रेडी फिल्म में काम किया था। उस फिल्म में दोनों के बीच काफी अच्छी जोड़ी बनी थी, क्योंकि इनके साथ उनके बीच काफी हद तक रोमांस वाली केमिस्ट्री अच्छी थी, पर फिर भी ये नंबर 1 पर पोजीशन हासिल नहीं कर पाई और ये नंबर 6 की पोजीशन हासिल करती हैं। नंबर 5, कीर्ति सुरेश। साल 2016 में आई नैनू सैलजा फिल्म में अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने राम पोथी नैनी के साथ रोमांस किया था, जो इतना अच्छा था कि इनके साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर बेइंतहा सुंदर लगी थी, पर आगे आने वाली फिल्मों में कीर्ति राम के साथ इन फिल्मों की तरह जोड़ी नहीं बना पाई। नंबर 4, सोनल चौहान। सोनल चौहान वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने राम पोथी नैनी के साथ साल 2015 में पंडा का चेस्को फिल्म में काम किया था, जो एक लव ट्रायंगल फिल्म थी जिसमें इन्होंने राम के साथ एक अच्छी जोड़ी बनाने में काफी मेहनत की थी, बावजूद इसके नंबर 1 की पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। नंबर 3, रकुल प्रीत सिंह। रकुल प्रीत सिंह ने भी राम पोथी नैनी के साथ साल 2015 में आई फिल्म पंडा का चेस्को में ही काम किया था। उस फिल्म में इन्होंने ऊपर की सभी एक्ट्रेस सोनल चौहान से ज्यादा तो राम पोथी नैनी के साथ अच्छी जोड़ी बना ली थी, पर फिर भी इनकी जोड़ी आगे निकलने वाली 3 अभिनेत्रियों से ज्यादा अच्छा कमाल नहीं कर पाई। नंबर 2, कृति खबरवंत। नंबर 2 पर आती है कृति खबरवंदा, जिन्होंने उनके साथ साल 2013 में आई ओंगोले गित्ता फिल्म में गजब की केमिस्ट्री दिखाई थी, और उसी गजब की केमिस्ट्री के कारण कृति खबरवंदा सभी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़कर नंबर 2 की पोजीशन हासिल करती है। नंबर 1, अनुपमा परमेश्वरन। जी हाँ, अनुपमा परमेश्वरन है वो अभिनेत्री जिनके साथ लगती है राम पोथी नैनी की जोड़ी सबसे अच्छी, जिनका प्रूफ इनकी और उनकी 2 फिल्में हैं जिनका नाम हेलो गुरु प्रेमम कोस्मो और वुन्ना थे ओकांटे जिंदगी है। इन दोनों फिल्मों में आप देख लीजिए कि इन्होंने उनके साथ कई रोमांटिक सीन्स नहीं किए, बल्कि एक साफ सुथरी और प्यार भरी केमिस्ट्री दिखाई है उनके साथ, जिसके चलते उनके साथ इनकी जोड़ी बॉन्डिंग, रोमांस, इमोशंस और एक्टिंग सब कुछ परफेक्ट लगाकर एकदम परफेक्ट कपल बनकर सबके सामने आती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी अनुपमा परमेश्वरन के साथ ही राम पोथी नैनी की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर किसी और एक्ट्रेस के साथ? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।